तो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है ठीक होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम हीरो बॉम्बर साइकिल में बात करेंगे ही, पर क्या आपने पिछला वीडियो देखा जिसमें मैंने हीरो स्पीडो साइकिल में बात की है? अगर नहीं तो इस वीडियो के बाद जरूर देखें ताकि आपके लिए आसान हो ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी साइकिल लेनी चाहिए बच्चों के लिए, हीरो स्पीडो या हीरो बॉम्बर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हाँ, तो फिर एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है RJ साइकिल वर्ल्ड, जहाँ पर आपको साइकिल से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाती है। दोस्तों हीरो बॉम्बर एक स्टाइलिश बाइसिकल तो है ही, साथ ही बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए काफ़ी फीचर्स दिए गए हैं, तो एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। तो फिर चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं व्हील के बारे में। तो हीरो बॉम्बर आपको 14 इंच, 16 इंच और 20 इंच व्हील साइज में मिल जाएगी, तो आप अपनी हाइट और एज के हिसाब से व्हील साइज चॉइस कर सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं 20 इंच व्हील साइज के बारे में। टायर साइज है 22.40 जो काफ़ी ब्रॉड है, और ब्रॉड टायर आपको सही ग्रिप प्रोवाइड करता है जिससे टायर स्लिप होने का खतरा कम होता है। टायर पर आपको हीरो का ब्रांड नेम नजर आ रहा होगा। हीरो बॉम्बर में आपको टायर और ट्यूब मिलते हैं, ना कि एयरलेस टायर। दोस्तों वैसे तो साइकिल के लुक के हिसाब से टायर ट्यूब भी बेटर होते हैं, पर आप चाहे तो फ्यूचर में टायर ट्यूब निकाल कर एयरलेस टायर बिठा सकते हैं, जैसे कि आप हीरो स्पीडो साइकिल में देख सकते हैं। व्हील के बाद अब बात करते हैं फ्रेम के बारे में। तो हीरो बॉम्बर आपको स्टाइलिश फ्रेम डिजाइन में मिल जाती है, स्टील फ्रेम है जो कि स्ट्रांग होते हैं। फ्रेम की डिजाइन इस तरह है कि बच्चों को बैठने और सीट से उतरने में आसानी हो, साथ ही इनबिल्ट कैरियर दिया गया है जिस पर किसी और छोटे बच्चे को बिठा सकते हैं। तो पूरी साइकिल में आपको ऑरेंज और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन नजर आएगा, बाकी हीरो बॉम्बर आपको दो और कलर में भी मिल जाएगी। तो चॉइस आपकी है, आप कौन सी कलर में हीरो बॉम्बर लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों की सेफ्टी फीचर्स के बारे में, जिसमें आते हैं ब्रेक, चेन कवर और साइड सपोर्ट व्हील, जिसे ट्रेनर व्हील भी कहा जाता है। तो हीरो बॉम्बर में आपको कैलिपर ब्रेक मिलते हैं जो कि बच्चों को यूज करने में आसान होता है, और ब्रेक का मेंटेनेंस भी कम होता है, और साइड सपोर्ट व्हील इनके बिना तो बच्चों को साइकिल सीखने में काफी मुश्किल होता है। जब बच्चे साइकिल सीख रहे हो तो साइकिल का बैलेंस बना रहे इसलिए साइड सपोर्ट व्हील दिया जाता है, और साइड सपोर्ट व्हील हिले नहीं इसलिए डबल सपोर्ट भी दिया गया है। और हाँ दोस्तों, जब बच्चे अच्छी तरीके से साइकिल चलाना सीख जाए तो जितना जल्द हो सके साइड सपोर्ट व्हील निकल कर साइड स्टैंड बिठाए, ताकि साइकिल चेन गिरने का प्रॉब्लम आपको ना हो। चेन कवर की बात करें तो फुल चेन कवर दिया गया है जिस पर बूमर ये नाम देख सकते हैं, और ये साइकिल उन बच्चों के लिए कम्फर्टेबल है जिनकी एज लगभग 5 या 6 साल के ऊपर है। दोस्तों साइकिल का लुक स्टाइलिश नजर आए इसलिए फ्रंट और रियर में PVC मडगार मिल जाते हैं, साथ ही फ्रंट में PVC बास्केट भी दिया गया है जो कि आपको ज़्यादातर सभी किड साइकिल में मिल जाता है। सीट के साथ आपको बैकरेस्ट भी मिल जाता है, जब बच्चे साइकिल सीख रहे हो तो बैकरेस्ट भी जरूरी होता है, और बच्चे स्ट्रेट बैठकर साइकिल चला सके इसलिए U-टाइप हैंडल बार दिया गया है जो कि अच्छी बात है बच्चों के लिए। तो ये सब आपको हीरो बॉम्बर साइकिल में मिल जाता है, बाकी इस साइकिल बार में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। हीरो बॉम्बर या हीरो स्पीडो इनमें से कौन सी साइकिल आपको बेस्ट लगी ये भी कमेंट में जरूर बताना। अब बात करते हैं प्राइस की, तो यहाँ पर आप हीरो बॉम्बर की प्राइस देख सकते हैं, और एक बात का ध्यान रखिए कि ये प्राइस आपके गांव या सिटी में कम ज़्यादा हो सकती है। और आप अगर ये साइकिल ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पर परचेस करने से पहले प्राइस और स्पेसिफिकेशन ज़रूर चेक करें। किसी और साइकिल पर भी जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। ख्याल रखना अपना और अपनों का। थैंक यू दोस्तों।